हाय स्टूडेंट, टुडे विल बी टीच यू नेक्स्ट चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इन सेवन चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसमें इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हमको पढ़नी है, तो उसके विषय में जानेंगे हम पहले। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है मोटर फिटनेस टेस्ट। जैसे कि आप हमसे पूछा करते हैं, सर मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम बताते हैं। उसमें उसका एक वीडियो छोटा सा लेकर के आए हुए हैं। तो मोटर फिटनेस टेस्ट, जिसे हम आपा टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना जनरल मोटर फिटनेस, जिसे बैरोमीटर आइटम टेस्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट पढ़ना है हमको मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट, जिसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बोलते हैं, या रॉक पॉड टेस्ट बोलते हैं। और लास्ट और नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग 7.7 का रिंकली एंड जॉन्स टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपर टेस्ट के बारे में जानते हैं कि अपर टेस्ट होता क्या है। और अपर टेस्ट के बारे में पहले अपर टेस्ट के बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ मोटर फिटनेस टेस्ट, मीनिंग ऑफ मोटर फिटनेस टेस्ट का मतलब क्या होता है। मोटर फिटनेस टेस्ट फॉर रिफर टू कैपेबिलिटी ऑफ द एथलीट टू टेक पार्ट ऑफ एफेक्टिवली इन हर पार्टिकुलर स्पोर्ट, यानी उसका एक कैपेबिलिटी होती है जो पार्टिकुलर स्पोर्ट में वो पार्टिसिपेट होता है, जिसको हम मोटर फिटनेस टेस्ट करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सेड, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मोटर फिटनेस इज ए पर्सन्स एबिलिटी टू फिजिकल एक्टिविटी, यानी उसकी फिजिकल एक्टिविटी की जो कैपेसिटी होती है उसके अंदर, वो से हम फिजिकल मोटर फिटनेस टेस्ट कर सकते हैं। तो अब मोटर फिटनेस टेस्ट में जो ऑफर आता है, यानी ऑफर का डबल AHPER, ये इसकी स्पेलिंग है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ऑफर का शॉर्ट फॉर्म। इसका डिटेल्स या फुल फॉर्म ऑफर मोटर फिटनेस टेस्ट, ऑफर मोटर फिटनेस टेस्ट, यानी ईयरलियर, मतलब पहले समय में द नेम ऑफ दिस एलियंस वाज ऑफर, मतलब इस संगठन का नाम था ऑफर, पहले इस टेस्ट का नाम था ऑफर। ऑफर का स्पेलिंग क्या है, AHPER। तो डबल ए का मतलब होता है, ए का मतलब हुआ अमेरिकन, ए फिर ए का मतलब होता है एलियंस, फॉर एच का मतलब होता है हेल्थ, फिर पी का मतलब होता है फिजिकल, ई का मतलब है एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल, यानी इस संगठन का नाम, अमेरिकन संगठन का नाम है फिजिकल, अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल, ठीक है। अब बट नाउ इज इट इज द नो एज, लेकिन अब इसको किस नाम से जाना जाता है, अफोर्ड मतलब AHPERD के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, बस इसमें ऑफर की जगह एक डी आ गया है, इसको ऑफर्ड बोलते हैं, उसमें डांस का मतलब अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशनल एंड डांस। तो अब पूछेगा कोई कि ऑफर्ड का फुल फॉर्म बताएं, तो आपको तुरंत बता देना है कि अमेरिकन एलियंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड डांस। पहले रिक्रिएशनल था, जहां डी की जगह वो रिक्रिएशनल एंड डांस, बस वह रिक्रिएशनल तक था, अब क्या है कि रिक्रिएशनल एंड डांस हो गया है, यानी अमेरिकन एलियंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशनल एंड डांस। ओके, अब कह रहा है कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द USA, यानी ये अमेरिका का ये प्रोफेशनल संगठन था, जो इट इज मोटर फिटनेस टेस्ट हैव बीन मेजर
इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग मोटर फिटनेस टेस्ट अमेरिकन स्कॉलर स्कूल चिल्ड्रेन फॉर द 15 ईयर्स, यानी ये स्कूल चिल्ड्रेन के बारे में इस टेस्ट को यानी 50 वर्ष तक इस ऑफर के बारे में अमेरिकन इंस्टीट्यूटमेंट के बाद फिजिकल को सुसज्जित करने का ये काम किया ऑफर, यानी 50 वर्ष तक के लोगों का ये टेस्ट इसमें किया जा सकता था। सिंपल से समझिए, 50 वर्ष के लोगों का इस संगठन के माध्यम से इसका टेस्ट किया जाता था, जिसे हम ऑफर बोला करते थे ऑफर। अब ये द फर्स्ट वर्जन ऑफ द टेस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1958, यानी 1958 में ये वर्जन पब्लिश हुआ था, एंड द रिवाइज्ड इन 1965, रिवाइज किया गया 1965 में, आफ्टर द मैनी चेंज इन द टेस्ट बैटरी वेयर मेड इन 1975, यानी रिवाइज किया गया। ये बना सबसे पहले कब? 1958 में। इसका रिवाइज कब हुआ? 1965 में। अब इसमें बहुत सारे चेंज किए गए, बहुत सारे चेंज करने के बाद फिर लागू किया कब? 1975 में। ओके, ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट इन दिस टेस्ट फॉलोइंग द आइटम वेयर इंक्लूडेड, यानी ये अब पहले तो ओल्डेस्ट में था, एयरलियर लोगों में था, लेकिन अब इसे यूथ में जब समाहित किया गया, जब यूथ वाले लोगों में इसका टेस्ट जब किया जाने लगा, तो उसमें बहुत सारे चीज इंक्लूड किए गए। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? उसमें दिया है इंक्लूड पुलअप्स फॉर बॉयज के लिए अलग पुलअप्स, और एंड फ्लैक्स आर्म हैंग, यानी फ्लैक्स आर्म हैंग करके करना वो गर्ल्स के लिए है। दूसरा कह रहा है फ्लैक्स लेग सिटअप करना है। फिर तीसरा शटल रन, चौथा स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, पांचवा दिया है कि 15 यार्ड डैश, सिक्स दिया है 600 यार्ड रन वॉक, और सेवन दिया है सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस, सॉफ्ट बॉल को डिस्टेंस, यानी पहले इसमें इंक्लूड किया गया था, ये चीज था ऑफर टेस्ट में। क्या क्या इंक्लूड था? पुलअप्स था गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, सीटअप था, शटल रन था, और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप था, जिसे हम चौकड़िया बोलते हैं सामान्य भाषा में, जो चौकड़ी कूद के हम कूदते हैं उसे हम ब्रॉड जंप बोलते हैं, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। फिर कह रहा है कि 15 यार्ड डैश तेज, 50 यार्ड का तेज दौड़ होता है, फिर 6 यार्ड का, मतलब ऐसे उसमें 7 आइटम थे पहले ऑफर टेस्ट में, 7 आइटम थे। अब 1976 में क्या होता है? इन 1976 द फाइनल टेस्ट मैनुअल वाज रिपेयर्ड, वो 1976 में एक मैनुअल तैयार किया गया, उसका मैनुअल तैयार किया गया था, द फॉलोइंग आइटम वेयर फाइनलिस्ट इन दिस टेस्ट बैटरी, तब उसमें एक फाइनल इस बैटरी में फाइनल आइटम डाला गया, वो कौन कौन से हैं? पहले उसमें 7 थे, अब इसमें 6 हो जाएंगे। 6 में क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। पहला दिया है पुलअप्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग, हैंग करना है गर्ल्स के लिए, वो जब हम इसका प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको जरूर बताएंगे कैसे क्या करना होता है इसमें। तो फिर कह रहा है कि फ्लैक्स लेग सीटअप्स, यानी फ्लैक्स लेग सीटअप वही है जिसमें वो पहले था। फिर क्या है? शटल रन भी था, स्टैंडिंग जंप लॉन्ग जंप ये भी था, 5 यार्ड डैश ये भी था उसमें, पहले वाले में भी था, 600 यार्ड रन वॉल ये भी था। अब उसमें सॉफ्ट बॉल थ्रोइंग का था इसमें नहीं है, बस इसमें 6 आइटम ही है। अब एक एक करके समझेंगे इसके बारे में, डिटेल समझेंगे एक एक करके, कि इस पूरे 6 के 6 आइटम के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट, इसको हम यूथ फिटनेस टेस्ट भी कह सकते हैं, अगर ऑफर की जगह अगर एग्जामिनर आपको ऐसे भी बोल दे कि यूथ फिटनेस टेस्ट, व्हाट इज नो अबाउट द यूथ फिटनेस टेस्ट, तो आपको तुरंत बता देना है कि यूथ फिटनेस टेस्ट का मतलब होता है ऑफर टेस्ट,
तो अफर टेस्ट का मतलब अमेरिकन एलियंस फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशनल एंड डांस के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मुख्य फर्स्ट आइटम आता है पुलअप्स। पुलअप्स में जैसे कि बॉयज के लिए बताया था कि बॉयज के लिए ऐसे हाथ करके सीधा आपको पुलअप्स करना है, जैसे कि आप सामान्य घर घर या गांव पर करते हैं। तो उसमें दिया है कि दिस टेस्ट मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन डन विदाउट टेकिंग रेस्ट हॉरिजॉन्टल बार, यानी बिना रेस्ट के आपको करना है। अब इसमें क्या करना है कि आप बिना रेस्ट के आप कितनी बार आप उस पुलअप्स कर लेते हैं उसका काउंटिंग होता है। ओके अब कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पुलअप्स आर नोटेड इन दिस टेस्ट द चीन मस्ट रीच एबव द बार, जहां ये बार लगा होता है उसको वहां पे आपका चीन यानी ये ठुड्डी पहुंचना जरूरी है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर यानी ऐसे। ओके यहां पे हमारा बार है तो यहां पे हमको हमारा चीन यहां उसके थोड़ा सा ऊपर जाए, तो वो बिना रुके हुए आपको करना है। तो उसमें आपका काउंट होता है कि नहीं ये इतना किया। अब वही कह रहा है कि बी उसी में जो गर्ल्स के लिए, ये तो बॉयज के लिए था, अब गर्ल्स के लिए कह रहा है कि फ्लैक्स आर्म हैंग, यानी फ्लैक्स आर्म हैंग का मतलब क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन दिस टेस्ट एडजस्टेड ऑन द एडजस्ट हॉरिजॉन्टल बार, एडजस्ट हॉरिजॉन्टल बार को एडजस्ट करना है। द हाइट द बार शुड बी एडजस्ट सो द अप्रोक्सीमेटली इक्वल ऑफ स्टैंडिंग हाइट द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का जो इक्वल हाइट है यानी हमारी हाइट यहाँ पे है तो हम अपने बार को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यानी हमारे अपने हाइट के इक्वल कर लेंगे। ओके इस बात को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा कि सर इसका मतलब क्या है, हम फिर बताएंगे आपको। कमेंट जरूर करना है, जरूर करना है, वीडियो देखना है तो जरूर कमेंट करना है। तो आपको इस तरह से यहाँ तक आप एडजस्ट कर लेंगे, वो एडजस्टमेंट की तरह उसमें दिया रहता है सब, तो एडजस्ट कर लेंगे। फिर कह रहा है कि हाइट स्टूडेंट द करेक्ट पोजिशन हैंड इन शो द एडजॉइन द फिगर, फिगर में जैसे दिखाया गया आप फिगर भी देख लेंगे तो उसमें क्या करना है, जैसे हमने एडजस्ट यहाँ पे कर लिया अपने बार को इस तरह से, ऐसे यहाँ पे हम कर लिया, अब इसको पकड़ेंगे ऐसे ऐसे पकड़ करके बिल्कुल वहाँ पे इस सामान्य स्थिति में हम जब खड़े रहेंगे एकदम पूरे धरती पे, यानी हमारा पूरा टो और हिल दोनों पोजिशन खड़े का होना चाहिए, तो इस तरह से हम पकड़ लेंगे। अब फ्लैक्स आर्म करना है तो फिर क्या कर रहा है कि सो द एडजस्टमेंट विथ द हेल्प ऑफ टू गर्ल्स, यहाँ पे टू गर्ल्स होंगी क्या करने के लिए, ये देखें द सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स बॉडी द लिफ्ट द ग्राउंड अंटिल हर चीन पोजिशन एबव द बार, यानी अपने आप को उस पर जब जब जाना है तो अपने चीन को यानी ये ठुड्डी को उस बार से ऊपर किए रखना है, और उस पर आपको क्या फिर कह रहा है बार द रिक्वायर्ड शुड द बार द सम पोजिशन ऑफ मैक्सिमम टाइम, यानी आप उस बार पे कितने समय तक लटक रहे होते हैं या झूल रहे होते हैं उसका समय स्टॉपवॉच से कैलकुलेट किया जाएगा और उसका नोट किया जाएगा। अब बात समझ में आई, गर्ल्स को क्या करना है, हाइट को अपने एडजस्ट कर लेना है, गर्ल्स को अपने हाइट के बराबर हाथ को ऐसे पकड़ लेना है और उसको आप उस पर हैंग करेंगे, लटक जाएंगे, लटकने के बाद वो पोजीशन आपका ये इसमें ठुड्डी के ऊपर रहेगा बार, उस पर कितने समय तक कितने सेकेंड तक, सेकेंड में ही हो सकता है, कुछ लोगों का मिनट में भी हो सकता है बट गर्ल्स का अधिकांश सेकेंड में ही होगा, तो कितने सेकेंड तक आप उसमें हैंग कर रखे हैं उसको नोट किया जाता है। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट, यानी आपका पुलअप्स कैसे करना है गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए। अब आते हैं फ्लैक्स लेग सिटअप। फ्लैक्स लेग सिटअप मतलब एकदम बिल्कुल आप सिटअप जैसे करते हैं, तो कुछ सिटअप ऐसे एकदम बिल्कुल फ्लैक्स बिछा देते हैं, अपने पैर को एकदम सीधा कर देते हैं, उसमें सिटअप करते हैं। सिटअप करते समय इस चीज को ध्यान देना है, देखना है क्या करता है, द स्टूडेंट लाइज द बैक विथ द लेग्स फ्लैक्स पोजिशन इन द बेंड नी पोजिशन, यानी बेंड को नी को बेंड कर लेना है, हर हिज हर हैंड शुड बिहाइंड द नेक, यानी बिहाइंड द नेक ऐसे रहेगा आपका दोनों हाथ बिहाइंड द नेक, एल्बो मस्ट टच द नी व्हाइल डूइंग सिटअप, यानी जब आप सिटअप कर रहे हो तो आपका पैर तो मुड़ा ही है, नी मुड़ा है, तो उसमें आपको ऐसे टच करना है,
यानी ऐसे गए फिर ऐसे टच करना है, अपनी एस को, एल्बो को टच करना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर रेपिटेशन सिटअप्स नोट इन द मिनट्स ओनली, यानी वो एक मिनट में आप कितने रेपिटेशन कर लेते हैं उसको नोट कर लिया जाता है। तो सिटअप के बारे में कंप्लीट हो गया। और अब आते हैं शटल रन पे। शटल रन पे होता है क्या? शटल रन जैसे कि हमने आपको बताया था कि दो, ये कितने यार्ड का, 30 फीट का होगा, बना दिया जाएगा, जिसमें दो बॉक्स बनाए जाएंगे, उसमें कुछ रखे जाएंगे स्टोन या जो भी रखा जाता है। तो आपको एक बार गो कहने के बाद जाना और फिर उसके बाद आना, फिर तुरंत जाना, फिर लेकर के फिनिश करना। तो ये होता है शटल रन। तो टू ट्रायल्स मेनी अलाउड द बेस्ट टाइम, द टू ट्रायल्स नोटेड डाउन द रिकॉर्ड। वो आपको दो बार के लिए आपको मिलेगा चांस, उसमें आप जो बेस्ट करते हैं उसको आप नोट कर लिया जाता है कि आप कौन सा बेस्ट किए, ठीक है। और उसमें नोट किया जाता है, टाइम नोट किया जाता है कि आप कितने सेकंड में गए और कितने सेकंड में आए, यानी पूरा एक शटल रन को कंप्लीट आप कितने सेकंड में कर लिए। तो ये शटल रन का रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसे रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, शटल रन के बारे में समझ गए। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बताने के लिए। और जब नहीं समझ में आएगा आप हमसे कमेंट में या क्लास में जब भी चाहें आप हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। स्टैंड मतलब खड़ा होकर के ही, एक एरिया पे जब खड़े हैं बिल्कुल खड़े होकर के आपको जंप करना है। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है कि द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द टेक ऑफ टाइम लाइन। अब इसको कैसे मेजर कर, जैसे आपको तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन कई बार कर भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, इसका प्रैक्टिकल भी करा चुके हैं सारे चीज का, तो बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे एक सामान्य धरातल पे खड़े हो जाएंगे फिर जंप करेंगे। इसमें आपको तीन टाइम दिए जाएंगे, तीन बार आपको चांस दिए जाएंगे, आपका बेस्ट जो होगा वही उसी को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और एक चीज है, यदि आप जंप करते समय जहां से जंप कर रहे हैं, टेकअप बोर्ड से, जहां टेकअप आप करते हैं लाइन जो होती है वहां से जंप करते हैं, जो आपका बॉडी पार्ट पीछे की तरफ आ जाता है, जैसे कि आप जो ही जंप किए और आप गिर गए, तो गिरने के बाद आपका हाथ पीछे चला गया, तो जो टेक ऑफ बोर्ड से जो नजदीक डिस्टेंस रहेगा उसी को हम नोट करते हैं। इस बात को ख्याल करना, जो नजदीक रहेगा उसको हम नोट करते हैं। तो इसीलिए आपका बेस्ट ऑफ थ्री दिया जाता है कि आप थ्री में आप अच्छे से करें। तो उसमें जो होता है डिस्टेंस नाप लिया जाता है कि फीट या इंच में आप कितना कूद रहे हैं या कितना जंप किए हैं, तो उसमें आपका इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो वो बेस्ट ऑफ थ्री में जो आपका टॉप रहेगा उसको लिखा जाएगा। अब आते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया। अब 515 यार्ड डैश, यानी तेज 50 मीटर 50 यार्ड का जो डैश तेज दौड़ होता है उसमें आपका समय कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेट किया जाएगा कि आप कितने सेकेंड में आपने उस 15 यार्ड को आपने कंप्लीट किया। ओके, इसमें शटल रन का बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हमें लगता है, और आपको भी लगना भी चाहिए क्योंकि इसको हम कई बार करा चुके हैं, इसका हम मेजर भी करा चुके हैं आपके 11th क्लास में, तो इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब 6 मीटर यार्ड एंड रन एंड वॉक, यानी 6 मीटर का जो होता है उसमें आपको जंप दौड़ना भी है, आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, रन या वॉक। तो आपने कितने समय में, यानी 400 मीटर का एक ट्रैक होता है, तो 400 मीटर तो आप कंप्लीट करेंगे, एक ट्रैक का एक चक्कर तो लगाएंगे, नेक्स्ट हाफ उसका यानी 200 मीटर और, यानी 600 मीटर का आपको रन एंड वॉक करना है। आपने उसमें कितना समय लिया उसको आप नोट किया जाता है, वही आपका रिकॉर्ड होता है। ओके, तो इस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा किए, समझाने की कोशिश किए। जहाँ आपको कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे स्कूल में या कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।